नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट हब पे। IPL 2021 के सेकंड फेज में इंग्लैंड के प्लेयरों के अवेलेबल रहने के चांसेस काफी कम रहने वाले हैं। ऐसे में इंग्लैंड के प्लेयरों के बिना चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है, उसके बारे में इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर देखकर अगर वीडियो पसंद आता तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग फर्स्ट फेज में इनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ में भाप डुप्लेसिस कर रहे थे और दोनों का ही प्रदर्शन काफी बढ़िया था। तो ऐसे में सेकंड फेज की बात करें तो यहाँ पे भी भाप डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि ऑप्शन की बात करें तो इनके पास में रॉबिन उथप्पा भी है, इसके अलावा जगदीशन है, जो दोनों ही ओपनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें वन डाउन की, तो वन डाउन पर सुरेश रैना खेलने वाले। जीआरएस तो रैना की बात करें तो इस सीजन से पहले वो नंबर तीन पर रेगुलर खेलते रहे थे, लेकिन इस सीजन एमएस धोनी ने मोइन अली को प्रमोट किया था और उनका नंबर तीन पर प्रदर्शन काफी बढ़िया था। ऐसे में मोइन अली नंबर तीन पर खेल रहे थे। तो अभी बात करें तो मोइन अली अवेलेबल नहीं रहने वाले, ऐसे में सुरेश रैना वन डाउन बैटिंग करने वाले हैं। उसके बाद में टू डाउन की बात करें तो अंबति रायडू खेलने वाले, उसके बाद में एमएस धोनी खुद खेलने वाले हैं, उसके बाद में रविंद्र जडेजा खेलने वाले हैं। अब बात करें सैम करन की, तो वो भी अवेलेबल नहीं रहने वाले, ऐसे में ड्वेन ब्रावो खेलने वाले हैं। उसके बाद में बतौर स्पिनर की बात करें तो कृष्णप्पा गौतम को भी मौका मिल सकता है। जी दोस्तों, गौतम की बात करें तो एक बड़ी प्राइस देकर के इन्होंने खरीदा था, लेकिन अभी तक इनको इतने मौके नहीं मिले। तो ऐसे में कृष्णप्पा गौतम को अब मौका मिल सकता है, क्योंकि इनकी बात करें तो इंग्लैंड के प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसे में कृष्णप्पा गौतम खेलेंगे। उसके बाद में इनके पास में दीपक चेहर है, तो दीपक चेहर खेलेंगे, शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, उसके साथ में इमरान ताहिर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कुछ इस तरीके से रह सकती है। भाप डुप्लेसिस, ऋतुराज गायकवाड़, उनके साथ में सुरेश रैना नंबर फोर पर, अंबती रायडू खेलेंगे, उसके बाद में एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, उनके साथ में कृष्णप्पा गौतम, उसके बाद में दीपक चेहर, शार्दुल ठाकुर और इमरान ताहिर। आपको क्या लगता है कि चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या इसी तरीके से दिखने वाली है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चेंज है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।